ये बात इस पूरी गुफ्तगू में आपने फर्ज है कि अपने जहन में दिमाग में बिठाना है आखिरी सांस तक कि सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल मुबारक में दुनियावी माल का प्यार 1% का करोड़वां हिस्सा भी नहीं था। यानी इसलिए मैं कह रहा हूं कि नस्ले नौ आज कहीं उनके ज़हन खराब ना, देखो अल्लाह के रसूल सलाम की बेटी वो भी माल के लिए चली गई कि मुझे माल दो, मेरा बाप दो, मुझे ये दो, और उधर अमीरुल मोमिनीन जो पहले खलीफा हैं वो भी माल नहीं दे रहे, तो ये माल ऐसी चीज है इसके लिए माशाल्लाह ये मुकद्दस हस्तियां भी माल के प्यार में थी। तो खुदा की कसम ना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दिल में माल का ख्याल था, ना हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दिल में माल का ख्याल था, ना हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में माल का ख्याल था कि हुब्बे दुनिया ना हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के दिल में थी, बल्कि सरकार की तजल्ली ने आम सहाबा, हालांकि उनमें आम है ही कोई नहीं, आम सहाबा सबसे अदना सहाबी, हालांकि उनमें अदना है ही कोई नहीं, सबसे आखिरी सहाबी को भी इतना नजर से तजकिया दिया था कि सारी दुनियादारी की जड़ें उखाड़ कर लिल्लाहियत लिल्लाहियत इखलास और महज दीन उनके अंदर भर दिया था। आज दाता गंजे बख्श अजवेरी के मुरीदों को, आज मुजद्दद अल्फे सानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों को, आज ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों के तज़करे, आज हम ये आखिरी अहद में हजरत शेर रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों के तज़करों में ये पढ़ते हैं। और अब भी ऐसे लोग हैं कि उनकी नजर पड़ती है तो दिलों से दुनिया का प्यार मिट जाता है। तो जिनकी उम्मत के 11वीं सदी के वली, 12वीं के वली, 13वीं के वली यूं दिल धोते हों तो वो नबी खुद कितने दिल धोते होंगे। जो आए ही दिल धोने हैं, यतलू अलैहिम आयातिका व युज़क्कीहिम, वो आए ही तज़किया देने हैं, तो जिनके युज़क्कीहिम पर कुरान गवाही दे और मुरीद होने पर भी कुरान गवाही दे, इस यकूल ले साहेबे ही, इस मुरीद का तो जिक्र कुरान में वाज़े लफ्जों में है हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, तो जिन्हें रब ने भेजा कि जाओ जाके तज़किया दो, और फिर जिनके तज़किये का जिक्र पूरी सूरत में आया और फिर भी वहां कहीं माल का प्यार छुपा रहा, इस बुनियाद पर इस पूरे मौजू में आप फिर सोचेंगे कि फिर माल का प्यार नहीं था तो फिर क्यों गई, क्यों सवाल किया। ये हदीस इसके अलावा आगे वो भी आएगी जब हजरत अब्दुल्ला हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इसी बात के मसले पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के अहद में उनके पास आए, वो हदीस या हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ढेर से माल उठाने के लिए फरमाया और उन्होंने चादर में ज्यादा डाल लिया, बुखारी में वो भी हदीस, ये सारी हदीसें इनको पढ़ते वक्त हराम है कि किसी के दिल में यह ख्याल आए कि इन लोगों का कोई माल से प्यार था दुनियादारी के लिए, नहीं।
जहां जहां जिक्र है, मतलब यह है कि ये इतने हरीस थे नेकी के, जब हुक्म आया था ना सदके का, बुखारी शरीफ में है, जिन सहाबा के पास कुछ नहीं था उन्होंने दिहाड़ी लगाई मदीना मुनवरा की गल्ला मंडी में, पल्लेदारी की, शाम को पैसे मिले तो सदका करके खुश हुए, लो हमने भी सदका कर दिया है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे एक मकान में, रतमन्नो मेरे पास बैठने वालों वजीर हैं हज़रत अबू उबैदा जैसे, हजरत मुआज बिन जबल जैसे, हजरत हुज़ैफा बिन जमान जैसे, रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का तमन्नो, अपने दिल की बात बताओ, क्या दुआ करना चाहते हो, तवज्जो से सुनना। उनका नतमन्ना मिल अल बैत अल्लज़ी नहनु फीह, ये जिस घर में हम बैठे हैं ना, ये सारा सोने से भर जाए, सारा चांदी से भर जाए, सारा माल से भर जाए। तो फिर फरमाया नुनफिकुहा फी सबीलिल्लाह, और हम सारा ही अल्लाह के रास्ते में दे दे। तो ये माल के लिए जाने बैन, हजरत सिद्दीक अकबर तो ना खुद लेना चाहते हैं बल्कि वो तो है ही बैतुल माल का, ये जो सवाल किया हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने, या बाद में जो हदीस आएगी, तो मकसद ये था कि जब सैकड़ों नफल पढ़ के रब का कुर्म पाती हूं, जब तस्बीह का नाम ही तस्बीह फातिमा पड़ गया है, जब बाकी मेरे हजार हा अमाले सालिया हैं, तो जब बाग अपना होगा तो फिर सदके के भी कितने सवाब मिलेंगे, फिर इससे मैं किस हद तक गुरबा फुकारा मसाकीन, और ये कि वो मेरी तरफ से सदका होगा, खा वो मुजाहिदीन पर हो, खा वो जिहाद के लिए हो, वो किसी भी मत में हो, तो मेरे नाम आमाल में होगा। लिहाजा माल का सवाल दुनियादारी के लिए नहीं था, परहेजगारी के लिए था। अब वो तबका जिनकी वजह से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, वो आप नहीं सुनेंगे कि फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के माल मांगने की ये वजाहत भी करें। अरे देना ना देना वो तो अगला मसला है, आज छोटे से वली की बेटी दिल का वो तज़किया रखे कि बागों से बेनियाज हो जाए, और जो सारे जहानों के ताजदार की शहजादी हो, दुनिया के खजाने जिनके कदमों की धूल हो, वो जब उनकी तरफ निस्बत सवाल की जा रही है, तो यहां भी रुक के एक बार इतिकाफ करना चाहिए कि ये सवाल, इसकी तावील क्या है। अगर मुतलकन तो फिर तो माज़ल्ला लोगों के जहन पायसन हो जाएंगे। हकीकत मैं बता रहा हूं, खुदा की कसम, जिन्हें रब ने यह कहा था महबूब चाहो तो ओहद पहाड़ में सोने का बना देता हूं, और मोबाइल सर्विस होगी, जिधर चलोगे ये साथ ही चलेगा, और उन्होंने कहा नहीं रब, एक दिन खाऊंगा तो शुक्र अदा करूंगा, दूसरे दिन रोजा रखूंगा तो हमद करूंगा। ये तो उनकी लखते जिगर है, ये उनके जिगर का टुकड़ा है। लिहाजा यहां सवाल की भी वजाहत करनी पड़ेगी कि सवाल किया तो किस लिए किया, किस वजह से किया।